हेलो एवरीवन। तो यस, आई थिंक माय ऑडियो इज़ क्लियर। मैंने सोचा नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, बट रिसेंटली मेरे साथ थोड़ा सा डाटा एंट्री फ्रॉड हुआ है, तो मैंने सोचा आप सबको उसे शेयर करना ज़रूरी है, बिकॉज़ हम चीज़ों को समझते नहीं हैं और फिर फंस जाते हैं लाइक मी। मेरे साथ भी हुआ है। तो यस, तो शुरू से स्टार्ट करती हूँ। मेरे पास हुआ क्या है एक्चुअली में, तो मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम हो गए थे, तो मैंने सोचा कि कुछ जॉब ट्राई कर लेते हैं। लेकिन इन दिनों दिल्ली में बहुत गर्मी थी, तो मैंने सोचा वर्क फ्रॉम होम देख लेते हैं 2 महीने की। वैसे भी गर्मियाँ ही होने वाली है, उसके बाद ऑफलाइन का देखेंगे। तो मैंने quickr.com पे अपने आप को रजिस्टर कर दिया, जो वर्क फ्रॉम होम पे था, डाटा एंट्री का वर्क था। उसके बाद मेरे पास एक कॉल आती है DGM टैग करके, उनकी कंपनी से एक बंदा कॉल करता है, बोलता है कि आपको डाटा एंट्री करनी पड़ेगी फॉर्म्स कि आपको, मेरे को बोला था कि आपको 5 डेज़ का टाइम मिलेगा, आपको 500 फॉर्म्स फिल करने हैं, और बहुत छोटा सा टाइम, इतना सा फॉर्म था। तो मैंने सोचा ठीक है, और एक फॉर्म पे वो मुझे 15 रुपीज़ पे कर रहे थे, तो ठीक था, मतलब 5 डेज़ में भी आप इतना अर्न कर सकते हो। तो मैंने सोचा ठीक है। तो उन्होंने मुझे थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल किया कि आप अपना आधार कार्ड भेज दीजिए, सिग्नेचर भेज दीजिए, और अपनी एक आईडी कार्ड वाली फ़ोटो। तो मैंने उन्हें व्हाट्सएप कर दिया। उसके बाद उस बंदे ने मुझे फिर से कॉल किया, और वो उसने कहा कि हमने आपको कुछ सेंड किया है, उस लिंक को ओपन करो। मैंने लिंक को ओपन किया, उसमें था एक, मतलब गूगल का पेज ओपन होता है, उसमें कुछ पॉइंट्स थे। तो उन्होंने मुझे भेजा था, उसमें लिखा हुआ था कि आपको इतने पैसे पे करने पड़ेंगे। उन्होंने बोला था कि आपको भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, कि हाँ अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपको पैसे पे किए जाएंगे। तो उस तरीके से उन्होंने मुझे फंसा लिया, ठीक है। उन्होंने मुझे 3-4 पॉइंट्स दिए थे उसमें, उस पेज में, उसमें लास्ट में था कि आई एग्री ऑल दिस टर्म्स एंड कंडीशंस। तो मैंने उसे टिक कर दिया। मैंने पहले उसे बोला था कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, तो उन्होंने, उसने बोला ठीक है आप पढ़ लीजिए, कॉल मत कट करिए। तो मैंने उसे पढ़ा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जी आपको लगे कि फ्रॉड है। उसमें सिंपली लिखा हुआ था कि आप कभी भी टर्मिनेट कर सकते हो, जब आपका मन करे आप छोड़ सकते हो जॉब को, आपको इतने पैसे पे किए जाएंगे, आपको इतने दिन में अपना वर्क सबमिट करना है, ये सब था। तो मैंने उसे ओके कर दिया। उसके बाद फ़ोटोज़ अपडेट करने का था, मैंने वो अपडेट कर दिया। उसके बाद मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, होता ऐसा है कि उसमें मेरा मेल भी मांगा था उन्होंने, तो मेरे मेल पर एक मैसेज आता है और उसमें बोलते हैं कि हमने आपकी आईडी बना दी है। उन्होंने मुझे बोला था कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो 5,000 रुपये होगी, लेकिन आपको पे नहीं करना है, जब आपकी फ़र्स्ट सैलरी आएगी हम उसमें से डिडक्ट कर लेंगे। तो मैंने सोचा ठीक है, जब मुझे पहले नहीं करना है, एक तरीके से फ्रॉड होता है पहले करके, लेकिन मुझे फ़र्स्ट टाइम पे नहीं करना है, तो मैंने ओके कर दिया था। तो उसके बाद जब मेरे पास जो मेल आता है, उसमें वो मुझे एक आईडी देते हैं, उसका एक पासवर्ड देते हैं कि आपकी आईडी पासवर्ड है, आप इसे लॉगिन करिए, और अलग अलग डिवाइस में लॉगिन नहीं करना है, नहीं तो आपकी जो आईडी है वो टर्मिनेट कर देंगे, डिलीट कर देंगे, और उसके बाद आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा दोबारा से बनवाने के लिए। तो मैंने उसे अपने फ़ोन में लॉगिन किया और देखा कि उसमें क्या है, मतलब 2-4 मिक्सअप करके लाइन दे रखी थी, जो कि इसीलिए थी ताकि आप उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ कर दें, क्योंकि अगर आपकी मिस्टेक्स होती है फॉर्म में तो आपको पे नहीं करते हैं। सिंपली उन्हें काम करवाना ही नहीं, वो डर का बिज़नेस कर रहे हैं, वो कैसे वो मैं आपको थोड़ी देर में बता ही रही हूँ बस। तो उसके बाद क्या होता है कि जब उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, एक्चुअली उस टाइम पे मार्केट जा रही थी, तो मैंने देखा कि हाँ ठीक है, मेरे को लॉगिन कर दिया, मैंने आईडी पासवर्ड मिल गया। लेकिन जब मुझे बस में सीट चलाओ एक बार दोबारा से चेक करते हैं मेल को, तब उस टाइम पर मैंने देखा कि उन्होंने मुझे मेल में एक चीज़ और कॉन्ट्रैक्ट है उसे अटैच करके भेजा है, और वो कॉन्ट्रैक्ट नियरली 5 पेजों का था, उसमें इतनी बकवास चीज़ें लिखी हुई थी। और लास्ट में उन्होंने क्या किया, मेरा आधार कार्ड का एड्रेस, मेरा फ़ोटो, मेरा डिजिटल सिग्नेचर, सब कुछ करके कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, फेक कॉन्ट्रैक्ट। उसमें लिखा हुआ था कि मैं उनकी कंपनी के साथ वर्क कर रही हूँ और मैं उस चीज़ को ब्रीच नहीं कर सकती, तोड़ नहीं सकती हूँ। उसमें लिखा था कि 11 मंथ के लिए मैं बाउंड हूँ उनके साथ काम करने के लिए, नो वॉट कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, डजेंट मैटर, आपको करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करते हो तो आपको पे करना पड़ेगा 5,000, तो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस प्लस ब्रीचमेंट ऑफ ट्रस्ट, ये सब ड्रामा, इतने सेक्शन फुलाना धमकाना लगा के उन्होंने 10,000 का बिल बना दिया। उसके बाद मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया। उसके बाद जब मैं घर आई, मेरा मूड ख़राब हो गया, मार्केट में मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा सच में दिमाग ख़राब हो गया था। मैं घर पर आई, मैंने उस रात में मैंने खाना नहीं खाया। अब घर वालों को दिखाने के लिए थोड़ा सा खाना खाना पड़ा, बट एक होता है आपका मेंटल प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, आप डिप्रेस होने लग जाते हो कि ये होगा तो कैसा होगा, वो होगा तो कैसे होगा। उसमें लिखा हुआ था हम आपके घर पे पुलिस भेज देंगे, ये सारा ड्रामा था अगर आप पे नहीं करते हो। उस दिन तो चलो कैसे कैसे बीत गया, क्योंकि शाम हो गई थी ऑलरेडी,
मैंने उसमें एक भी फॉर्म फिल नहीं किया। मैंने एक फॉर्म फिल किया था रास्ते में, उसके बाद जब मैंने इस चीज़ के बारे में सर्च अप किया तो मुझे पता चला कि सब फ्रॉड है। मैंने गूगल पे सर्च किया, मैंने ऑनलाइन सर्च किया, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, उसके बाद एक कंक्लूजन निकला कि ऐसे सारे वर्क जो होते हैं वो फ्रॉड होते हैं। क्योंकि ऐसे मैंने देखा यूट्यूब पे भी कि बहुत सारे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रखा है सेम इसी तरीके से, उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है। तो मैंने कुछ भी उनका एक भी फॉर्म रजिस्टर नहीं किया, फिल नहीं किया, एक फॉर्म किया था बस 500 में से, उसके बाद कुछ भी नहीं किया। उसमें था कि वो 5 दिन के बाद आपको कॉल करते हैं, तो मैं बस वेट कर रही थी। अगले दिन भी मैंने बहुत सारा सर्च किया गूगल पर, और उसके बाद एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया। उससे पहले था कि यार क्या बताएंगे, क्या होगा, घर में पुलिस आ जाएगी, ये ड्रामा हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा हुआ कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी गलती नहीं। उसके बाद रियल स्टोरी स्टार्ट होती है, क्योंकि एक दिन मैंने वेस्ट कर दिया था। उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत सारी जगहों पर रजिस्टर कर दिया। जैसे कि फर्स्ट चीज़ मैंने क्या करी, मैंने एक लॉस्ट एंड फाउंड का एक वो काट दिया, मैंने FIR काट दी थी रात में ही, क्योंकि मुझे रात में पता चल गया था कि मैंने अपने बैग और मोबाइल फ़ोन ये सब कहीं पर खो दिया बस में। क्यों, अगर वो मुझे दोबारा कॉल करते हैं, हरेस करते हैं, तो एज अ प्रूफ मेरे पास है कि मैंने वो नहीं किया है। डिजिटल तो कोई भी कर सकता है, फ़ोन में आप सबके पड़ी होती है डिजिटल फोटोज़ और आधार कार्ड आपका डॉक्यूमेंट्स में होता है, तो एज अ सेफ जोन मैंने वो कर दिया था। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे अपने आप को ऑनलाइन लीगल इंडिया गूगल पर मिल जाएगा वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर किया, तो उसके रिस्पॉन्स को वहाँ पर रजिस्टर किया तो उसके रिस्पॉन्स में मेरे पास एक मेल आता है विद माई नेम। मैं यहाँ पर सारे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी विद माई नेम कि हमने यह लीगल ऑफिसर आपको असाइन कर दिया है, यू कैन टॉक टू हिम, आप उनसे बात करिए। फ़ीस थी, लेकिन आपको फ़ीस पे नहीं करनी है, आपको फ़ीस नहीं पे करनी है, आप जस्ट उस चीज़ को रख लीजिए, सेव कर लीजिए। और दूसरी चीज़ ये कि वो बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं आपको, आपके घर वाले पूछने लग जाएंगे हुआ क्या है। और मैंने किसी की भी कॉल अटेंड नहीं करी, लिटरली मैंने किसी की भी कॉल अटेंड नहीं करी, और मैंने किसी को भी ब्लॉक भी नहीं किया। जो फर्स्ट बंदा था जिसने मुझे मैसेज किया था, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया क्योंकि मैं डर गई थी। तो उसके बाद मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया और सबकी किसी की भी कॉल अटेंड नहीं करी, क्योंकि कॉल पे क्या होता है, हम डर जाते हैं, थोड़ा सा हैरेस हो जा, कोई हमें मेंटली हैरेस करता तो हम हो जाते जल्दी से, लेकिन वही चीज़ हमें मैसेज में लिखनी होती है तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है बोलने का। तो मैंने कॉल अटेंड नहीं करी, लेकिन मैसेजेस का सबका रिप्लाई किया। मैंने अपने आप को कई जगह पर लेकर ऑनलाइन पे किया, मैंने कुछ सेक्शंस देखे कि इस सेक्शन के अंडर आप हमें हैरेस कर रहे हैं, मेंटली हैरेस, वो आपको बोलते हैं कि सेक्शन 73-74 ये ड्रामा कि इसके अंडर आपने हमारा ट्रस्ट तोड़ा है, आपको कंपनी का नुकसान का भरपाई करनी पड़ेगी, ये सब ड्रामा। उस टाइम पे मैंने भी कुछ चीज़ें देखी कि कुछ सेक्शंस होते हैं जिसके अंडर में हम भी कंप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि आपने हमसे पूछे नहीं हम एजुकेटेड हैं या नहीं है, विटनेस कौन था, जो आपने हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसमें कोई ना कोई विटनेस होना चाहिए, विटनेस नहीं है कोई भी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कुछ भी, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है बिल्कुल ही फ्रॉड है, डरने की कोई बात नहीं है। एग्जैक्टली 5 दिन बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, 9 को उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने 4 को अपने आप को रजिस्टर किया था, उन्होंने मुझे कॉल किया था, मैसेज किया था। मैसेज में वही ड्रामा लिखा हुआ था कि आपने वर्क नहीं किया है, कंप्लीट नहीं किया या फिर मिस्टेक्स हैं, आपको पे करना पड़ेगा। तो मैंने उसे सीधे सीधे बोल दिया मैं क्यों पे करूँगी और कौन सा एग्रीमेंट, मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया। तो उसके बाद उसने कहा ठीक है, हमारे पास आपका प्रूफ है, हमारा जो लीगल ऑफिसर है वो आपको कॉल करेगा। मैंने कहा ठीक है करने दे, क्योंकि तो बस जैसे भाई किस चीज़ के पैसे, तुम्हारे बाप ने हमारे अकाउंट में जमा करवाए हैं पैसे चाहिए इनको फ्री फंड के पैसे। मैंने उसे सीधे सीधे बोला ठीक है जो आएगा कॉल करने दो। उसके बाद उनका जो ऑफिसर है, सो कॉल्ड ऑफिसर झोला छाप कहीं का, उसने मुझे मैसेज किया, हाय दिस इज़ मी, दिस इज़ ये वो लीगल ऑफिसर सागर, यहाँ पे चैट लगा दूँगी मैं सामने, आप चेक कर लेना। तो उसके बाद वो मुझे बोलता पे करना पड़ेगा सेक्शन ये सेक्शन वो। मैंने बोल दिया ठीक है, मैं भी इन इन सेक्शंस के अंडर तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ और फाइल कर सकती हूँ कंप्लेन को। तो बोला ठीक है। मैंने कहा मैं सोच ही रही थी कंप्लेन फाइल करने के लिए आपके अगेंस्ट में पुलिस स्टेशन में। तो बोलते हैं अच्छा आप मत जाओ, हम खुद चले जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, जो मर्जी तू खाड़ ले, जो मर्जी कर ले, जो मर्जी वो कर, बात खत्म। मैंने उसे फिर अपना वो जो स्क्रीनशॉट था जहाँ पे लीगल ऑनलाइन इंडिया से मेरे पास मेल आया था कि हम आपको एक लीगल ऑफिसर असाइन कर रहे हैं, मैंने उसे वो भेज दिया। मैंने बोला मेरे पास भी एक लीगल लॉयर है, मैं भी केस करूँगी, और ये रहा उसका स्क्रीनशॉट। तो उसके बाद उसने कहा ठीक है करने दो कॉल। मैंने कहा ठीक है, जब तुम मुझे कॉल करोगे जिस दिन बकवास करने के लिए, उसी दिन मैं इसे कॉल कर दूँगी। इन्होंने मुझे बोला कि अगर दोबारा से तुम्हें हैरेस करें मेंटली तो आप मुझे बता देना और मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमारी गलती नहीं है, गलती उनकी है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, वो जो ड्रामा किया है उन्होंने किया है, उनकी कंपनी ने किया है, आपने नहीं किया है, तो डरना नहीं है, पैसे तो देने ही नहीं है, आपको जितनी गाली आती है ना आप सब दे दो, सब के सब दे दो, ठीक है।
मैं तो गाली खैर देती नहीं हूँ, और फिर थोड़ा सा ऐसा भी है मेरे घर में इतनी प्राइवेसी नहीं है, अगर मैं एक रूम में गाली दूंगी ना, मेरे दूसरे रूम में सुनाई देगा, मेरे घर वाले आ जाएंगे क्या हुआ किसको गाली दे रही है, और मैं यूजुअली गाली देती नहीं हूँ। अदरवाइज़ मेरे को तो भर भर के गाली देनी थी इसे, तो मैंने इसे मैसेज पे इतना वो कर दिया था कि नहीं मैं तो नहीं डरूंगी, जो तुम्हारा डर का बिजनेस कहीं और चला, मुझसे तो रहने। दिन मैंने वेट किया, मैंने घर में किसी को नहीं बताया था, उसके बाद मेरे पास एक भी मैसेज नहीं आया। मैंने इतने दिन तक वेट किया, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा मे बी क्या पता इनका कोई नया ड्रामा हो जाए, क्या पता ये कोई फ्रॉड नोटिस ही भेज दे मेरे घर पे, क्योंकि बहुत लोगों को इन्होंने भेजा हुआ है, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था तो मुझे दिखा था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो सिंपली सी चीज़ यही है कि आपको नहीं डरना है, गलती उनकी है तो वो डरेंगे, बस आपको कॉन्फिडेंस रखना है, डरना नहीं है। जहाँ पर आप डर जाते हो वहाँ पर ही अपना बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, तो जब आप बोल दोगे ना जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जा तू उखाड़ ले, जा ले ले पैसे, भेज दे अपना लॉयर मेरे घर, तो उस दिन से इनका ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। और फिर पता नहीं कितने लोगों को ये परेशान करते, मेंटली हैरेस करते, स्ट्रेस देते हैं। मुझे खुद इन्होंने लिटरली एक वीक तक दिमाग ख़राब कर दिया था मेरा, बट ठीक है अब कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई मैसेज नहीं है, कोई कॉल नहीं है, ना ही कोई लीगल नोटिस आया है, तो मैं चिल में हूँ। तो मैंने सोचा वीडियो बनानी चाहिए, आप सबको बताना चाहिए, आप सबको अवेयर होना। अपने आपको कभी भी ऐसे कहीं पर भी रजिस्टर मत करिए, प्लस अपना आधार कार्ड, अपना पासपोर्ट, अपना सिग्नेचर कहीं पर भी अपलोड मत करिए, ये सारा बहुत बकवास करते हैं, आपको हैरेस करते हैं, मेंटली डरा देते हैं, क्योंकि हम क्या होते हैं टीनेजर होते हैं, ग्रेजुएशन करके आए, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए, आफ्टर ट्वेल्थ आए हैं, तो बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते उस टाइम पे, तो डर जाते हैं, पैसे दे देते हैं। मैंने भी एक बार सोचा था कि पैसे दे दूँगी, कम से कम ड्रामा नहीं होगा मेरे साथ, ठीक है हो जाए जो होना है, पैसे दे ले लो। पर फिर मैंने सोचा मैं क्यों दूँ पैसे, क्योंकि मैंने देखा जब मैंने सर्च अप किया तो देखा कि ये पैसे जो दे देते हैं उससे भी छोड़ते नहीं हैं, उनके पीछे लग जाते हैं कि नहीं अभी आपको और देने हैं, अभी आपको और देने हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तो 11 मंथ्स का था, आपको तो काम करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं हम लीगल ऑफिसर भेज देंगे, नोटिस भेज देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डरना मत, बिल्कुल भी नहीं डरना है, स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है। सोच लो कुछ नहीं हुआ, सीरियल चल रहा था, गया भाड़ में, सीरियल में होते ना लोग खेलते रहते हैं, वही खेलते रहते हैं सीरियल्स में, देखा होगा आपने पुलिस आ रही है, ये हो रहा है वो रहा है, सेम काइंड की सेम तरीके की सिचुएशन है। कुछ भी नहीं होना, उखाड़ना जो उखाड़ लो, जो करना है कर लो, हमें मतलब नहीं है, हमसे पैसे नहीं मांग सकते तुम, ना हम देने वाले, बात सिर्फ इतनी है छाप लो, कहीं भी छाप लो। और जब आपने ऐसा उन्हें बोल दिया, दो तीन गालियाँ सुना दी, उसके बाद वो आपको कॉल नहीं करेंगे, ये 100% की बात है। तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन था जो धीरे धीरे निकल रहा है, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरना मत। और कुछ किसी को इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, क्योंकि मेरे पास तो कॉल आया नहीं है, तो मे बी मेरी ट्रिक्स आपके लिए यूज़फुल हो जाए, जो मैंने किया वही आपके लिए यूज़फुल हो जाए। तो ओके बाय बाय, सी यू देन, कुछ नई वीडियो में मैं बनाऊंगी, तो उसे भी देख लेना एक बाय बाय।